विल बी ग मॉडल सो मॉडल में दो फॉर्म्स होती हैं सो इट इज बेसिकली डुओपलिस्ट मॉडल जिसमें एक फॉर्म जो होती है वो लीडर होती है और दूसरी फॉर्म फॉलोअर होती है लीडर जो है वो आउटपुट पहले डिटर्मिन करती है और जो फॉलोअर है वो उसे बाद में उसका देख के करती है बट उसको इंट्यूशन तो रहती है तो जो लीडर है उसे इंट्यूशन रहती है कि फॉलोअर मुझे देख के ही कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा जो लीडर है फॉलोअर को देख के ही कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा सो so, वो अपना जो आउटपुट है वो ऐसा रखती है जिसपे उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो सके

कि जैसे दो फॉर्म्स होती हैं पीरियड वन के अंदर हमने देखा भी था पहले कि पीरियड वन में एक फॉर्म जो है वो अज्यूम करती है कि फॉर्म टू ने ज़ीरो प्रोड्यूस करा है तो वो हाफ प्रोड्यूस करती है क्योंकि हाफ प्रोडक्शन पे तो उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होता है सो इट इज बेस्ड ऑन दैट कुरो आजामशन दिस रेकग्नेशन अलाउज़ दफिस्टिकेटेड फॉर्म टू डिटर्मिन ये रेकग्नेशन जिसके अंदर अलाउ करती सिफिस्टिकेटेड फॉर्म मतलब लीडर को टू डिटर्मिन रिएक्शन कर्व ऑफ इट्स राइवल जिसकी वजह से वो अपना, अपना अप उसको पता है कि मैं क्या करूँगी तो वो अपना ऐसा सेट करती है कि उसको दूसरे फॉर्म जो कि फॉलोअर है उसका रिएक्शन क्या होने वाला है राइवल का मतलब जो फॉलोअर है उसका क्या रिएक्शन कर्व होगा वो डिटरमिन पता लगा लेती है एंड इनकॉपरेट और उसे अपने प्रॉफिट फंक्शन में डाल के अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर लेती है जैसे एक मोनोपलिस्ट करता है सो so, एक सोफिस्टिकेटेड फॉर्म मतलब जो लीडर होता है वो फर्स्ट मूवर होता है एंड इट्स मूव इन कॉपरेट द रिएक्शन कव ऑफ द फॉर्म वो फॉलोअर का रिएक्शन कव देखकर अपना ऐसा सेट करता है कि उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो देयर फोर फर्स्ट मूवर जो है वो मैक्सीमाइज करता है अपना प्रॉफिट सब्जेक्ट टू रिएक्शन कप ऑफ द फॉलोअर फॉलोअर का रिएक्शन कप देख के अपने प्रॉफिट को मैक्सीमाइज करता है सब्जेक्ट टू द रिएक्शन उसका क्या रिएक्शन होगा कि अगर मैंने ऐसा कुछ सेट किया तो मेरे फॉलोअर का क्या रिएक्शन होगा तो ऐसा कुछ ना कुछ लगा के वो ट्राई टू मैक्सीमाइज हिज ओन प्रॉफिट सो इन दिस मॉडल सोफिस्टिकेटेड फॉर मतलब जो लीडर है हैज़ हायर प्रॉफिट दैन फॉलोअर फॉलोअर से ज़्यादा उसका खुद का प्रॉफिट होता है दिस इज बिकॉज बाय मूविंग फर्स्ट जो लीडर जो है वो प्रोड्यूस करता है ज़्यादा क्योंकि सिंस वो पहला स्टेप ले रहा है और वो लीडर है और पहले प्रोड्यूस कर रहा है उसको फॉलोअर का भी सब कुछ पता है तो देर बाय फोर्सेज अ कॉम्पिटिटर और वो ऐसा कुछ सेट करता है कि कॉम्पिटिटर जो है फोर्सफुली उसे कम प्रोड्यूस करना पड़ता है अगर दोनों साथ में ही ज़्यादा प्रोड्यूस कर दें तो ओवर प्रोडक्शन की वजह से प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा तो फॉलोअर को पता है कि अगर मैंने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया उसने तो कर दिया जो हमारा लीडर है उसने तो कर दिया ज़्यादा प्रोड्यूस अगर मैंने भी ज़्यादा प्रोड्यूस करा तो ओवर प्रोडक्शन की वजह से उसे पैसे नहीं मिलेंगे मार्केट में सो दैट इज़ वाई सिंस जो लीडर है उसने ज़्यादा प्रोड्यूस किया फॉलोअर जो है वो कम प्रोड्यूस करता है कि उसे भी मार्केट में प्राइज़ मिल सके फॉर द प्रोडक्शन दैट इज़ डन सो इन एडिशन वी मस्ट ऑल्सो नो दैट कि लीडर का प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होता है एज़ compared टू कुरनो इक्लिब्रियम कुरनो इक्ुलिब्रियम में हमें पता है कि प्रॉफ़िट्स जो होते हैं जो प्राइस जो सेट करता है किसके बीच में करता है प्राइस प्राइज़ और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में करता है बट इस केस में ये कुरनों से थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज इसमें लीडर के प्रॉफिट जो हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इक्वलिब्रियम जो कि कुरनों में होता है इफ़ ओनली वन फॉर्म इज सफिस्टिकेटेड अगर एक फॉर्म दो दो ओपलिस्ट हैं एक फॉर्म अगर सफिस्टिकेटेड मतलब वो लीडर है देन इट विल इमोज एज अ लीडर तो वो लीडर की तरह काम करेगा एंड स्टेबलाइज कर देगा इक्वलिब्रियम एंड स्टेबल इक्वलिब्रियम जो है वो इमर्ज हो जाएगा हाउएवर अगर दो डू हैं दोनों ही अगर लीडर की तरह बिहेव करने लगेंगी तो फॉर्म विल एक्ट एज ए लीडर अगर दोनों लीडर की तरह बिहेव करेंगी तो एक्शन देन देर एक्शन प्रोवाइड ग्रेटर प्रॉफिट टू देम बट इन दैट केस मार्केट सिचुएशन जो है दोनों को प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो जाएगा बट जो मार्केट की सिचुएशन है वो अनस्टेबल हो जाएगी स्टेबल कब होगी जब इसके अंदर हमने स्टेबल इक्वलिब्रियम की बात करी कि स्टेबल कब होगी जब एक फॉर्म सिफिस्टिकेटेड है और एक जो है वो फॉलोअर है मतलब एक लीडर और एक फॉलोअर अगर दोनों ही सफिस्टिकेटेड मतलब दोनों ही अगर लीडर की तरह बिहेव करने लगेंगी तो मार्केट सिचुएशन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी सो दिस इज नोन एज इसे हम क्या बोलते हैं स्टाकलबर्ग डिसक्म अगर दोनों ही कैसे बिहेव करने लगेंगी Uh, 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 क्या बोलते हैं उसे व्हाट वी हैव रेड कि दोनों ही सफिस्टिकेटेड फॉर्म की तरह बिहेव करने लगेंगी या लीडर की तरह बिहेव करेंगे तो स्टाकलबर्क डिसक्वलिब्रियम हो जाएगा एंड इफेक्ट विल बी इधर दोनों या तो फिर प्राइज वॉर करने लगेंगे या कल्यूजन हो जाएगा दिस इज कल्यूजन नॉट ये स्पेलिंग गलत है यू कैन करेक्ट इट या प्राइज वॉर हो जाएगा या कल्यूजन दोनों इकट्ठे हो जाएंगी या प्राइज वॉर हो जाएगा अगर डिसक्वलिबरियम होता है तो इम्प्लिकेशन विल स्टडी तो स्टाकलबर्ग मॉडल जो है वो नाइव बिहेवियर डज़ नॉट पे मतलब बताता है शो दैट नाइव बिहेवियर डज नॉट पे कि एक फॉर्म जो है अगर दूसरे के दूसरे को नहीं देखती तो दैट डज नॉट पे अगर एक जो है वो पैसिव रहती है नाइव बिहेवियर मतलब दे डू नॉट लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक तो उसमें दैट विल नॉट पे उनको लर्न अगर करेंगे तो दे गेट हायर प्रॉफिट्स बाय रेकगनाइजिंग अदर रिएक्शन ईच डुओपलिस्ट कैन रीच एट अ हायर लेवल ऑफ़ प्रॉफिट अगर वो रेकग्नाइज करेंगे अदर रिएक्शन दूसरे के रिएक्शन को अगर रेकगनाइज करेंगे एक दोनों दोनों मोनोपलिस्ट देन दे कैन रीच टू हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट तो वो हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट पर भी पहुंच सकते हैं सो so, इफ बोथ फॉर्म स्टार्ट recognizing their mutual इंटरडिपेंडेंसी अगर वो रेकगनाइज करने लग जाती हैं अपनी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी देन इट लीड टू प्राइज़ वॉर अगर उनको लग रहा है कि मैं ऐसा करूँगी तो वो ऐसा करेगा वो एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंसी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी समझने लगे तो प्राइज वॉर हो सकती है एज वेल एज बोथ तो उस केस में एज अ रिजल्ट दोनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे वॉर्स ऑफ हो जाएंगे सो so, नेक्स्ट पॉइंट इज कि इट शोज दैट द बार्गेनिंग प्रोसीजर एंड कल्यूजन अडेमेंट बिकम एडवांटेजेस टू बोथ द डुओपलिस इसलिए बार्गेनिंग प्रोसीजर जो है दोनों एक दूसरे के साथ मान जाएं तो वो प्रोसीजर जो है दोनों को एडवांटेजेस रहेगा नोट इज दैट कि स्टाकलबर्ग मॉडल जो है विल बी मोर अप्रोप्रिएट स्टाकलबर्ग मॉडल जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा वो डोमिनेंट होगी बट किसमें कब हमने स्टेबल इक्वलिब्रम की बात अभी करी भी है कि स्टाकल वर्क जो है तब अप्रोप्रिएट होगा जब एक लीडर होगा और एक फॉलोअर होगा अगर एक लीडर और फॉलोअर नहीं होगा दोनों ही ट्राइब्स टू बी लीडर तो अनस्टेबल इक्वलिब्रियम हो जाएगा उसके इसमें प्राइस वॉर भी हो सकती है कल्यूजन भी हो सकता है स्टाकलबर्ग so, मॉडल में यही बता रखा है कि मोर अप्रोप्रिएट कब होगा जब एक फॉर्म जो है डोमिनेंट है दूसरी जो है फॉलोअर है बट कुरनो मॉडल जो है वो मोर अप्रोप्रिएट बन होता है जब ऑल द फॉर्म्स आर मोर और लेस इक्वल जब वो दोनों ही इक्वल हो मोर और लेस इक्वल इन साइज हो ऐसा ना हो कि एक ज़्यादा बड़ी है और दूसरी छोटी है सो so,